आपका वजन आपकी हाइट के मुताबिक सही है या नहीं, इसे नापने का पैमाना क्या है? अभी तक एक्सपर्ट्स BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की मदद से इसे नापते थे। यही नाप तय करती थी कि आपका वजन सही है या नहीं, आप हेल्दी हैं या नहीं। जो भी लोग जिम जाना शुरू करते हैं, सबसे पहले जिम ट्रेनर उनका BMI ही पता करते हैं। उसके हिसाब से तय होता है कि आपको कितना वजन घटाने की जरूरत है या फिर बढ़ाने की जरूरत है। पर असल में सच कुछ और ही है। ना ही वजन नापने का ये तरीका सही है और ना ही इसे पता चल सकता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं, या फिर आपको वजन घटाना है या फिर बढ़ाना है। खेल कुछ और है, कंफ्यूज मत होइए, सब बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए BMI होता क्या है। BMI बेसिकली एक पैमाना होता है जो कि सदियों से ओबेसिटी को नापने के लिए लिया जाता रहा है। बेसिकली ये एक इंडेक्स होता है जो कि वेट और हाइट का होता है, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं कि वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जब से BMI फॉर्मूला बना है उसके बाद BMI को हम ओबेसिटी को नापने के लिए कह सकते हैं, हम एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। BMI अगर 18.5 से कम है तो उसको अंडरवेट कहते हैं, BMI 18.5 से 24.9 को नॉर्मल वेट कहते हैं, BMI 25 से 29.9 को ओवरवेट कैटेगरी मानते हैं, और अगर BMI मोर देन 30 हो जाता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। BMI 30 से 35 तक ग्रेड 1 ओबेसिटी, 35 से 40 तक ग्रेड 2 ओबेसिटी, और मोर देन 35 में ग्रेड 3 यानी मॉर्बिड ओबेसिटी माना जाता है। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि एक ही किलोग्राम के, सपोज दोनों दो इंडिविजुअल हैं, उनका वेट समान है, उनका BMI भी समान है, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो हेल्थ में फर्क होता है। तो यानी कि जो BMI है वो एग्जैक्टली आपको इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में उतना नहीं बता पाता जितना कि हम बाकी माध्यम से इसको जान सकते हैं। या हम यूं देखिए कि जो एथलीट लोग होते हैं जिनसे मसल ज़्यादा होता है, तो मसल अगर आपका ज़्यादा है, फैट कम है, और एक का फैट ज़्यादा है और मसल कम है, दोनों को मिला के अगर दोनों का वेट सेम है तो उनका BMI सेम आएगा, लेकिन जो एथलीट है वो गुड हेल्थ में है, उसको और कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं, और जो जिसमें फैट ज़्यादा है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, उनको बाकी बीमारियां लगने के, यानी डायबिटीज़ होने का, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का, डिसकोलेस्ट्रोलीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। BMI से परे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं नापने के लिए, क्योंकि BMI लेने पे हमें ये पता नहीं चलता कि पर्टिकुलर उसकी हेल्थ कैसी होती है, क्योंकि बेसिकली कंपोजिशन होता है जो हमारा बॉडी का, उसमें लीन बॉडी मास आता है, उसमें फैट परसेंटेज अलग से आता है, उसमें बोन मास अलग से आता है, तो BMI हमें ये नहीं बता पाता कि इस पर्टिकुलर आदमी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है या उसका मसल ज़्यादा है या फिर उसमें बोन ज़्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हेल्दी वेट की बात करें, तो हेल्दी वेट को हम सिर्फ माप सकते हैं बॉडी मास एनालिसिस के द्वारा। हमारे पास बॉडी मास एनालिसिस की मशीन्स आती हैं जिससे हम अलग से फैट देख सकते हैं, मसल्स दे सकते हैं, वाटर का कंटेंट दे सकते हैं और बोन का कंटेंट दे सकते हैं। तो यही पैमाना एक, अगर हम बॉडी मास एनालिसिस करते हैं तो वो पैमाना एक सही पैमाना होता है कि उसके हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। कार्डियोमेटाबॉलिक इंडेक्स, कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क देखना है पेशेंट का, तो वेस्ट टू हाइट रेशियो को लेना चाहिए, यानी कि आपका जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है आपके हाइट से 50% होना चाहिए, या फिर वेस्ट टू हिप रेशियो लेना चाहिए। मेल्स में वेस्ट टू हिप रेशियो 1 से कम होना चाहिए नॉर्मली हेल्दी लाइफ के लिए, और फीमेल्स में 0.9 से कम होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो है बेसिकली BMI उतना मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपका फैट कौन सी लोकेशन पे है। तो अगर एब्डोमेन के, बेली के आसपास फैट है वो डेंजरस होता है, क्योंकि जो बेली के आसपास का होता है वो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, इंट्रा एब्डोमिनल फैट होता है, और इंट्रा एब्डोमिनल फैट से ही रिस्क बढ़ता है डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर होने का। अब समझे BMI से आपकी सेहत का कोई लेना देना क्यों नहीं है, इसलिए इसकी मदद से अपना वजन जांचना बंद कर दे। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने दी हैं उन्हें फॉलो करिए।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या आदतें आपको उम्र से पहले बूढ़ा कर रही हैं। प्रीमेच्योर एजिंग, सरल भाषा में समझे तो समय से पहले बुढ़ापा आना। बुढ़ापा तो प्राकृतिक तौर पर सभी को आना ही है, लेकिन कभी कभी इसके लक्षण समय से पहले असर दिखाना शुरू कर देते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग का सामान्य कारण एंजाइम्स और हॉर्मोन्स का इनबैलेंस होता है। नए सेल्स और टिश्यूज बनने में कमी आ जाती है, पर कुछ आदतें हैं जिनके कारण ऐसा जल्दी होता है, जैसे स्मोकिंग, शराब ज्यादा पीना, अल्ट्रावायलेट रेस से बहुत ज्यादा एक्सपोज होना, बुरा खान पान, नींद की कमी, ज्यादा स्ट्रेस लेना और पॉल्यूशन। ये सभी चीजें एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाती हैं। आप अपने खाने से जंक फूड, तला भुना खाना हटाइए, प्रोसेस्ड खाना हटाइए और उसकी जगह दीजिए घर के बने हेल्दी खाने को। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डाल लीजिए। हर दिन 40 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करिए, और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक कर लीजिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होने का मतलब है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसका पोषक तत्व हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से ठीक से पहुंच रहा है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पेट जल्दी खराब हो जाता है तो क्या चीजें खाने से बचें। अगर आपका पेट जल्दी खराब होता है तो कुछ चीजें हैं जिन्हें खाने से आपको थोड़ा परहेज करना चाहिए, जैसे अंडरकुक्ड या फिर कच्चा मीट, चिकन, अंडा और सी फूड, कच्चे या फिर आधे पके हुए स्प्राउट्स, बिना उबला हुआ दूध या फिर वो चीजें जिसमें उबले हुए दूध का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे कहते हैं अनपैश्चराइज्ड मिल्क। इसलिए चीज कोई भी खरीदने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि वो अनपैश्चराइज्ड मिल्क से ना बनी हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। लंदन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है, नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए। शुक्रिया।